यश नाम वाले परेशान रहते थे क्योंकि शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा था। यश नाम वाले अर्थात कुंभ राशि वालों पर मार्च 2025 तक शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। अब आपको क्या फल देंगे शनिदेव जानेंगे इस वीडियो में। शनिदेव दूसरे चरण में है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। जून 2023 में शनिदेव बकरी हो गए हैं। यह राशिफल जन्म की राशि पर आधारित रहेगा। शनिदेव आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्च 2025 तक शनिदेव की दृष्टि 10th हाउस, 7th हाउस तथा 3rd हाउस पर पड़ रही है। यहाँ अगर देखा जाए तो शनिदेव बकरी हैं, 12th हाउस का भी फल देंगे। दिसंबर तक लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा किसी से रिलेटेड हो सकती है, चाहे पारिवारिक या बिजनेस की वजह से यात्रा करनी पड़े, यात्राएं हो सकती हैं। शनिदेव के बकरी होने से अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। लग्जरी चीजों पर खर्चा बढ़ सकता है, लग्जरी चीजों को आप खरीद सकते हैं। गाड़ी घर की मरम्मत आदि पर खर्चा बढ़ सकता है। बेवजह की चीजों के बारे में ना सोचें क्योंकि इस समय आप सोचोगे ज्यादा करोगे कम, यानी कि आप बहुत सारी चीजें करने की सोचेंगे, बिजनेस करने की सोचेंगे, करियर के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यानी कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ सोचते ही रहेंगे। तो यहाँ पर सावधानी रखनी है, आपको सोचना नहीं है, आपको करना है। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर डालिए। यदि आप बेवजह सोचते हैं तो आप अपनी परेशानी खुद बढ़ाएंगे, परेशान रहेंगे, इसलिए बेवजह की सोच को दूर करें। बेवजह चीजों के बारे में ना सोचे, पॉजिटिव सोचे, खुश रहने की कोशिश करें। बकरी चाल का मतलब शनिदेव अपनी चाल में न चलकर स्लो हो जाएंगे, यानी कि अब धीरे धीरे चलेंगे। इसका मतलब आप भी स्लो हो जाएंगे, यानी कि आप भी जो कार्य करेंगे वो बहुत धीरे धीरे करेंगे या नहीं करेंगे या कल पर टाल देंगे। किसी चीज को लेकर बैठ गए तो बैठे ही रह जाएंगे, अर्थात कोई भी कार्य करने की आप कोशिश ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। यहाँ पर आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें, शनि जाते जाते आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे, खासकर करियर में। दूसरे चरण में आपके करियर और लव रिलेशन में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। यदि आप अपना करियर किसी टेक फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शनिदेव की दृष्टि 3rd हाउस तथा 7th हाउस में भी पड़ रही है। 3rd हाउस हमारे साहस, पराक्रम तथा मार्केटिंग, डिजिटल तथा आस पड़ोस के लिए होता है। बकरी शनि की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आप अपने काम को टालने की कोशिश करेंगे, अर्थात आज का कार्य कल पर छोड़ देंगे। आज काम करने का मन नहीं है या नहीं करेंगे या अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, ऐसा आपके साथ फील होगा, ऐसा आप फील करेंगे और कार्य को छोड़ते हुए चले जाएंगे। इसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आप परेशान रहेंगे, आपका कार्य छूट जाएगा, आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। यही आपकी गलती रहेगी, इसी वजह से आप परेशान रहेंगे। आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, इससे आपको जीतना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत परेशानी झेलने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो दूसरे चरण में शनिदेव जातक से मेहनत बहुत करवाते हैं, तभी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और जब देते हैं तो लाइफ बदल कर रख देते हैं। दोस्तों, शनिदेव के दूसरे चरण में आपको बदलाव तभी देखने को मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। यदि आप मेहनत ना कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, यानी कि आगे आप बढ़ भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर मेहनत करना मस्ट है, क्योंकि शनि की 7.5 की वजह से आपको परेशानी आएगी। यदि आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो आलस को आज से ही बाय बाय कहें, आलस को आज से ही छोड़ दें, क्योंकि आलस आपकी परेशानी की जड़ है। वैसे शनिदेव की कृपा तो आपको मिलेगी, इस समय जो मेहनत करेगा उसे फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस समय जो आप करेंगे उसी से फ्यूचर निर्धारित हो सकता है। यदि मेहनत करेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, यदि मेहनत नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे तो आप सोचते ही रहेंगे। विवाह योग्य हैं तो विवाह की संभावना ज्यादा है, 1 साल से 2 साल के बीच में विवाह बंधन में बन सकते हैं। यदि आप बिजनेस पार्टनर में करना चाहते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ज्यादा भरोसा ना करें पार्टनर पर, खुद पर ज्यादा भरोसा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप पार्टनर पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। यदि आप लव रिलेशन में हैं तो पार्टनर पर हद से ज्यादा भरोसा, धोखा मिल सकता है, धोखा दिया जा सकता है, इसलिए अपने पार्टनर पर हद से ज्यादा भरोसा ना करें, थोड़ा केयरफुल रहें। इस वजह से आप परेशान भी हो सकते हैं, कामकाज ठीक चलेगा, बस आप आलस ना करें, कामकाज स्लो हो सकता है यदि आप आलस करेंगे। दोस्तों, अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। एक ही उपाय बताऊंगा, इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होती हुई
ही नजर आएंगी। आप पर चल रहा है शनि की साढ़े साथी का प्रभाव, तो आप शनिदेव की पूजा करें और शाम के समय 108 बार शनि के बीज मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।